एक तो ये होता है कि अच्छा हमें भाई, एक क्लाइंट मतलब की तरफ से एक्चुअली अटका ये हुआ होता है है ना, नाइन्टी और नाइन बाद दफा बाहर हेल्थ का ना क्लाइंट आपको मिल जाता है जो कि अच्छा पे करता है आपको। क्योंकि जब आप डायरेक्ट बाहर से काम लेते हैं तो अच्छा पे किया जाता है, तो उसमें आप इतना बजट रख लेते हैं कि आप कुछ पेड बैकलिंक उसको करवा देते हैं। दूसरा दूसरा प्रोसेस ये भी होता है कि अगर बाहर का स्पेशली क्लाइंट है तो उसको हम ये भी रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपके कीवर्ड ज्यादा स्ट्रांग है और कुछ पेड बैकलिंक हमें बाय करने होंगे, देन जाके वेबसाइट रैंक करेगी, हमें रैंकिंग के लिए हेल्प चाहिए आपकी। तो ये भी तरीका होता है कि हम क्लाइंट को भी रिक्वेस्ट करके उससे एक बात कर लेते हैं। दोनों तरह से होता है, पहला मेथड के बजट अच्छा था आपने क्लाइंट को बताए बगैर करवा दिए, दूसरा मेथड ये था कि बजट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, आपने क्लाइंट को इन्वॉल्व किया कि भाई जी आपकी हमें हेल्प चाहिए। क्योंकि इसमें अगर स्ट्रांग बिजनेस हो, हाई कॉम्पिटिशन हो, तो क्लाइंट से बात कर लेनी चाहिए कि इसमें कुछ पेड बैकलिंक हमें अच्छी वेबसाइट से चाहिए होंगे जो वैसे ऑर्गेनिक तरीके से बैकलिंक नहीं देते या नहीं करते, जहां हम उसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर ने जो कि वहां से बैकलिंक लिए हुए हैं, ये भी टेक्निक हम इस्तेमाल कर लेते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक निकाल लेते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर के बैकलिंक किधर से है। जब उनके बैकलिंक पता चल जाते हैं, अगर अच्छे बैकलिंक हो और वो अच्छे बैकलिंक हमें ना मिलते हो, तो फिर हम अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये आपके कॉम्पिटिटर ने बैकलिंक जहाँ से लिए हुए डेफिनेटली उससे भी बाय किए होंगे, तो हमें भी बाय कर लेना चाहिए। बिल्कुल ही कीवर्ड स्ट्रॉन्ग मीन के हाई डिफिकल्टी लेवल जिनमें कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, तो ये बातें क्लाइंट से की जाती है। मतलब बार दफा कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो किसी खास वजह से एक डिफाइंड फर्ज करें चार कीवर्ड आपको मिले थे, दो रैंक होगा, दो नहीं रैंक हो रहे, तो क्लाइंट से हम इशू डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उस इशू डिस्कस करने के लिए क्या है कि वो चीज उस इशू डिस्कस करने से पहले बेहतर है कि आप उसके जो कंपटीटर है उसकी उसको एग्जांपल दें कि भाई आपके कंपटीटर जहां पहुंचे हुए हैं वो ये जहां से बैकलिंक ले रहे हैं हम जहां से नहीं ले पा रहे, उन्होंने डेफिनेटली पेड बैकलिंक लिए होंगे तो हम भी पेड बैकलिंक ले लें ताकि क्लाइंट कंपटीटर को हम कम्पीट कर सके। तो इस तरह की क्लाइंट को सजेस्ट किया जाता है और वो एग्री कर भी जाता है समटाइम अगर कोई आप तरीके से उससे बात करें। तो ये पेड बैकलिंक के हवाले से, लेकिन अगर आप अपना काम शुरू करेंगे, अपनी को वेबसाइट बनाएंगे शुरू में, तो आपने नहीं इस प्रोसेस में गुजर जाना, क्योंकि और प्रोसेस भी हैं जिनसे आप एक एफर्ट करके टाइम लगा के बैकलिंक भी कर लेते। तो देन मेरे ख्याल अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह के पेड बैकलिंक में जाना चाहिए, फिर इसके बगैर काम आपका चल सकता है। आप बाकी टेक्निक इस्तेमाल करें जो हम क्लास में अभी डिस्कस करेंगे अगले 2-3 लेक्चर। तो पेड का मैंने कहा इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये जब आप जॉब पे होते हैं तो समटाइम क्लाइंट को हम बॉस को कीवन ही रैंक हो पा रहे, तो आप रिकमेंड कर दे। खासतौर पर जो ऐसे साथी जो किसी कंपनी में अकेले ही होते हैं डिजिटल मार्केटिंग की जॉब पे, क्योंकि अकेला बंदा बार दफा उतनी एफर्ट नहीं करता है एसईओ में जितनी एक टीम में हो जाती है, तो वो फिर अपने बॉस को इस बात पे तैयार कर सकता है कि हम पेड बैकलिंक कुछ करवा लें ताकि जल्दी रैंक हो। फिर उसमें मैंने बात की थी कि पेड में भी दो तरह की वेबसाइट्स होती है, एक वो जो जिनका काम ही सिर्फ पेड के ऊपर है, वो चलती पेड के ऊपर है, एक होती है कि वो पेड काम नहीं करती, उनको जस्ट आप ईमेल करके बातचीत करके उनको इस बात पे तैयार करते हैं उससे बैकलिंक कम कर ले। बल्कि आज एक चल रही थी डिस्कशन के ही, मैं एक एग्जांपल पढ़ रहा था नेट से, किसी ने न्यूज चैनल पे वो चल रही थी बात के ऑनलाइन के हवाले से, वो डिस्कशन थी तो किसी ने न्यूज शेयर की हुई थी एक के पाकिस्तान के अंदर, वो आपने देखा अक्सर जगह पे वो गाड़ियों को जब मोटरसाइकिल बाइक को पंक्चर लगाते हैं लोग, उसका बिजनेस था किसी का, तो वो बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि भाई अभी जो लॉकडाउन का इशू बना तो जो कि गाड़ियां रोड पे नहीं थी, मेरा काम बंद हो गया तो लोग गाड़ी रोड पे आ नहीं रही थी ज्यादा, तो मेरे पास कोई नहीं आ रहा था पंक्चर लगाने के लिए। वो कहता मैंने एक फेसबुक का पेज बना के ऑनलाइन सर्वे शुरू की कि फेसबुक का पेज बना के उस करीब के 4-5-6 किलोमीटर के रेडियस में जहां भी उसका किसी गाँव साइड पे था उसका, तो थ्रू फेसबुक लोग घर से उसको कॉल करते थे, और उसने छोटी सी एक गाड़ी बनाई, उसके ऊपर सारा वो सिस्टम बनाया और लोगों के घरों में जाके रेट डबल करके जाके उनको वो सर्विसेज देना शुरू कर दी, ताकि लोगों को घर से नहीं निकलना पड़ता था और वो घर जाके कर रहा था, रेट भी ज्यादा कर दिया, आने जाने की भी चार्ज कर रहा था, और इस तरह मतलब छोटे छोटे बिजनेस पाकिस्तान में जो कभी भी पॉसिबल नहीं था कि फेसबुक पे आएंगे वो भी फेसबुक पे शिफ्ट हो गए सारे इस कोरोना की एक्टिविटी की वजह से। तो आप लोग तो खैर ज्यादा लोग आईटी वाले हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख्याल आप लोगों के पास तो बेशुमार ऐसी ऑप्शन निकल सकती है। जस्ट मैं मोटिवेट करने के लिए बताया कि इतने छोटे छोटे बिजनेस भी ऑनलाइन अब न्यूज आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान में गांव साइड पे भी लोगों ने इंटरनेट का फायदा उठाना शुरू कर दिया। जी बच्चों, तो करें बात के हवाले से जो हमने पेड़ तक बात की, ओके चलो आगे फिर मैं बाकी टेक्निक पे बात करता हूँ अभी आपसे।
अच्छा, अब आ जाए कि जो इसके नेक्स्ट टेक्निक बनती है वो आपको मैं अपनी स्लाइड पे लेके आता हूँ। अब आ जाए मेरे डेस्कटॉप पे। इसमें अगली टेक्निक ये है कि अब ये भी कुछ टेक्निक ऐसी है, देखें जब आप ऑफ पेज की बात करते हैं इसमें हर तरह की टेक्निक डिस्कस होनी है कि आप तो किसी कंपनी में जॉब पे हैं तब किस टेक्निक पे हैं, अगर आपकी अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है फिर किस टेक्निक पे, अगर आपने कोई अपना इंडिविजुअली वेबसाइट को लेकर चलना फिर किस टेक्निक में, तो सारी बातें इसमें होनी है। अभी भी जो बात होने लगी है ये थोड़ा सा कह लें कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बात होने लगी, कल को अगर आप अपना काम शुरू करना चाहेंगे तो ये टेक्निक आपको बहुत सूट करेगी जो मैं अभी आपसे बात करने लगा हूँ। पसंद ये टेक्निक ये है कि हम अपने रिसोर्सेज बनाते हैं ऑफ पेज के लिए। देखिए पेड में भी तो हमने लोगों को पे करके बैकलिंक करवाने थे, फर्ज करें कि मैं काम कर रहा हूँ मेरे पास अगर मार्केट में काम आता है तो उसके लिए मैंने बैकलिंक तो करवाने होंगे। अब एक ऑप्शन तो ये बैकलिंक के लिए कि मैं पेड बैकलिंक की तरफ जाऊं या फिर मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूं बैकलिंक के लिए, एक ऑप्शन हमने ये ली कि हमने वेबसाइट ही अपनी बना ली इस पर्पज के लिए कि इन वेबसाइट से मैं क्लाइंट को बैकलिंक करके उनको प्रमोट किया करूं, यानी मैंने इन्वेस्टमेंट करके वेबसाइट ही बना दी। इन्वेस्टमेंट भी कितनी की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, बाकी तो उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे उसको अपडेट करके आर्टिकल लगाते हैं, उनसे फिर हम अपने क्लाइंट के लिए बैकलिंक निकालते हैं। इस टेक्निक के लिए जो वेबसाइट बनाई जाती हैं इन उनको नॉर्मली किसी एक सब्जेक्ट पे नहीं बनाया जाता, उनको मल्टी सब्जेक्ट पे बनाया जाता है, उनका नेम भी ऐसा रखा जाता है जिसमें किसी सब्जेक्ट किसी कंट्री का जिक्र ना हो, उसको जनरल नेम के साथ वेबसाइट को बनाया जाता है और उन पे फिर डिफरेंट कैटेगरी रख के हम जो काम करते हैं उसकी मैं आपको कह लें कि बेशुमार इस कैटेगरी की एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। मसलन के एक वेबसाइट है, लेट से ये मैंने एक वेबसाइट आपके सामने ओपन, और बेशुमार वेबसाइट जो इस पर्पज के लिए वेबसाइट बनती है वो कैसे बनती है उनकी मैं आपको काम भी दिखाता हूँ, फिर उससे वन कैसे करते हैं मैं वो भी बताता हूँ। आप देखिए एक वेबसाइट खुली, इसके पास सारी कैटेगरी है और इसका नेम भी जनरल सा है। फिर मैंने एक और वेबसाइट आपके सामने खोली, देखें ये भी ई हॉक डॉट टाइप की वेबसाइट थी, ये देखें ये भी वेबसाइट थी, इसमें भी देखते हैं सारी कैटेगरी के ऑप्शन। इस तरह जो इस पर्पज की वेबसाइटें बनती हैं वो जनरल नेम से बनती हैं, उसमें हर कैटेगरी रखी जाती है, इसमें सिर्फ आप भी टेक्निकल या किसी एक सब्जेक्ट हेल्थ पे फैशन पे न्यूज पे ऐसा नहीं बनाएंगे, इनको हम जनरल बनाएंगे। इन वेबसाइट को आप जनरल बनाएंगे और इसका सब्जेक्ट जनरल होगा, इसके अंदर कैटेगरी बनेगी, जिस तरह फर्ज करके अगर जाके आप देखिए इसमें कैटेगरी बनी हुई है सारी, जिस कैटेगरी का क्लाइंट आ गया उसी कैटेगरी में आप लिंक कर दें। अब इसमें लिंक लगा भी एक आधा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कल वाला लेक्चर रिवाइज हो जाए। आप देखिए किसी भी आर्टिकल में हम जाते हैं तो इस आर्टिकल के अंदर इसके बैकलिंक लगे होंगे, ये देखो आप देखिए जी दो बैकलिंक है, ये कीवर्ड से बैकलिंक है, ये भी कीवर्ड से बैकलिंक है, दो बैकलिंक किसने लिए। तो होता ये कि ये वाला जो पेज है ये इस सब्जेक्ट से मैच करता है, मैंने कहा था ये देखें अगर कीवर्ड ये है तो ये देखें उस आर्टिकल के अंदर जो वर्ड भी डिस्कस हुए, यही मैंने कल कहा था कि पेज रेलिवेंट होना चाहिए, वेबसाइट रेलिवेंट नहीं होती। तो ये एक आप देखें इस तरह ये अगली वेबसाइट मैंने खोली ये भी ऐसे ही है, और इन वेबसाइट की मदद से हम सारा जो सिलसिला चलाते हैं। और ये डेटाबेस पहले बनाई जाती है, इसका पहला बेनिफिट कि आपको पेड पे काम जाना पड़ेगा, आपके पास अपनी डेटाबेस आज शुरू करेंगे कभी ना कभी ये स्ट्रांग हो जाएगी जैसे टाइम गुजरेगा, इन पे डेली हम फिर आर्टिकल लगाते रहते हैं, जो आर्टिकल लगा के हमने बाहर से लिंक लेने होते हैं वो हम अपनी वेबसाइट से ही कर लेते हैं। पहला बेनिफिट इसका ये मिलता है आपको फॉरन के जब आप ये काम शुरू करते हैं, तो पहला बेनिफिट ये मिलता है कि गौर से सुनिएगा कि आपकी ये अपनी वेबसाइट है, 1 2 3 4 कोई मल्टीपल वेबसाइट है, ये मल्टीपल वेबसाइट है आपके पास, इनमें कैटेगरी बनी हुई है, हर कैटेगरी डिफरेंट सब्जेक्ट पे, क्योंकि तो आपको पता नहीं होता कि एसईओ के फील्ड में आप एक एजेंसी बना के बैठे हैं, आपके पास तो किसी फील्ड का भी क्लाइंट आ सकता है, तो आपने एक में डिफरेंट ऑप्शन रखे, इनके नेम भी जनरल रखे जाते हैं और इनको डिफरेंट आईपी पे हम रजिस्टर करवाते हैं ताकि इस आपके बैक पे आईपी एक ना हो, ताकि ये ना जाए कि सारी वेबसाइट किसी एक की है। अच्छा मतलब इसके बेनिफिट सुनना, पहला बेनिफिट तो ये मिलता है कि आज आपके पास क्लाइंट आता है कोई तो आप जल्दी बैकलिंक करवा सकते हैं, आपका टाइम बचता है, यानी कि इसमें पहला बेनिफिट होता है कि आपका टाइम सेव होगा, टाइम का मतलब आपकी मनी सेव, कि आपने अगर किसी और बंदे को कहेंगे उसने दाएं बाएं से बैकलिंक लेने
तो वो टाइम भी लगाएगा। जब आप किसी और से बैक नहीं लेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जी आपने फॉरन लगा दिया आपका टाइम बचेगा, जिस बंदे ने लगाने थे उसका उसका भी टाइम बचेगा। टाइम का मतलब कि आपकी पैसों के वाले से आपकी सेविंग होगी, जल्दी बैकलिंक आपने करवा दी है। मैं बता रहा हूँ इसके बेनिफिट्स हम क्या लेते हैं, टाइम बचता है, जल्दी काम हो जाता है आपका, आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, आपको पेड बैकलिंक के पे नहीं जाना पड़ता। तीसरा बेनिफिट ये कि इन वेबसाइटों के चूंकि प्रॉपर नेम होते हैं, क्लाइंट को इन वेबसाइटों के नेम का पता चल जाता है कि मुझे बैकलिंक कहाँ से करवाए गए। दोबारा सुनिएगा कि क्लाइंट को पता चल जाता है कि आपने बैकलिंक कहाँ से, क्योंकि ये नेम आपने सारे नेम अच्छे रखे होंगे तो क्लाइंट को मैसेज आता है कि आपने बैकलिंक की क्वालिटी अच्छी रखी, यानी कि आपके क्लाइंट को मैसेज बड़ा अच्छा जाता है कि बैकलिंक बड़े, क्योंकि जब आप बैकलिंक अदर वेबसाइट से लेते हैं ना तो वो अच्छे बुरे हो जाते हैं। जब आप लोगों से डील कर रहे होते हैं बैकलिंक के लिए, तो उसमें बार दफा कुछ बैकलिंक ऐसे होंगे जो मे बी क्वालिटी में अच्छे ना हो, कुछ ऐसे होंगे कि आपने लगा दिए लेकिन अभी डिस्प्ले में नहीं आए, क्योंकि जी आपकी अपनी वेबसाइट है, गूगल क्लाइंट को जब पता चलेगा कि मेरे इसने बैकलिंक करवा दी है, वो जब चेक करेगा तो जो कि जी आपकी वेबसाइट से सारे कंफर्म होंगे, लगे होंगे, फिर जो कि आपकी अपनी वेबसाइट है तो इनमें क्वालिटी भी अच्छी होगी, जो कि आपने मर्जी की लिंकिंग की होगी। जो हमने डिस्कस किया था कि 9-10 डिफरेंट तरह की आप एंकर टेक्स्ट लगा सकते हैं, वो भी आप इसमें कर सकेंगे, क्योंकि सारा कंट्रोल ही आपके पास है, सारा कंट्रोल ही आपके पास हो, सारा काम आपके लिए अच्छा हो जाएगा। फिर अगला बेनिफिट जो होता है, सुनते जाना, अगला बेनिफिट जो होता है, फर्ज करें कि मैंने इस क्लाइंट के लिए बैकलिंक किए, ये है, ये बी है, ये मेरी वेबसाइट थी जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, मैंने बी को बैकलिंक किए, कल को कोई सी बी फर्ज करें को डॉक्टर था, सी बी को सी एक और वेबसाइट आती वो भी किसी डॉक्टर की है। अब अगर सी का बी के साथ कंपटीशन है तो सी देखेगा कि बी ने बैकलिंक कहां से लिए, अगर कल को सी बैकलिंक देखेगा बी के आके तो मेरा नाम आएगा कि इसने वहां से लिए, तो इसका मतलब था कि सी भी आपके पास आ जाएगा बिजनेस लेके, भाई मुझे बैकलिंक भी चाहिए, जब वो आपसे एसईओ में आ सकता है, जब आपसे पेड बैकलिंक ले सकता है। इसका मतलब था अगर आपकी अपनी वेबसाइट हो, जी कल को हम इस वेबसाइट को पेड बैकलिंक में भी ले जाते हैं, हम स्पेस सेल कर लेते हैं, हम उसके लिंक सेल कर लेते हैं, तो जी एक और अर्निंग का मेथड आपके हाथ लग जाता है। फिर अगला बेनिफिट ये होता है कि कल को अगर आपकी ये इस तरह की बनाई गई वेबसाइट, इस तरह की बनाई गई वेबसाइट अगर चल पड़ती है तो आप इसके गूगल पे ऐड भी लगा सकते हैं, आप इसे गूगल ऐड से भी अर्न कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की ये वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई है, ये दोनों इसी टेक्निक पे काम कर रही है, ये बैकलिंक भी सेल करती है, और इन वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो आपको हर पेज पे गूगल के ऐड चलते भी नजर आएंगे। आप किसी भी इसके आर्टिकल पे चले जाए आप देखेंगे गूगल के ऐड चल रहे हैं। उसकी रीजन है कि ये देखिए को पाकिस्तानी भाई है जिसने कोई 333 आर्टिकल सबमिट किए 2012 से लगा हुआ है सामने, और देखिए इसने बैकलिंक किससे लिया, डोमेन नेम से लिया हुआ जो हमने डिस्कस एंगल टाइप डिस्कस, और देखिए ये सारे गूगल के ऐड चल रहे हैं। ये अपने क्लाइंट का एसईओ भी इन वेबसाइट पे कर सकते हैं, ये बैकलिंक भी सेल करते हैं, कल को इस पे गूगल के ऐड लग जाते हैं। इसका मतलब था जो तीन चार तरह से आपको अर्निंग दे सकती वेबसाइट, आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट, आपका एसईओ सस्ते में हो जाएगा, क्लाइंट से आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर रहे, आप अपने वेबसाइट से बैकलिंक करवा के उसका मसला हल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जब जाके वो अपने आपके बैकलिंक चेक करेगा आपने कहाँ से करवाई, उसमें आपकी वेबसाइट का नेम आएगा तो उसको क्वालिटी अच्छी लगेगी कि मेरी वेबसाइट प्रॉपर वेबसाइट से मेरे बैकलिंक है, मुझे कोई इस तरह कोई इसने फोरम या किसी हल्की वेबसाइट से बैकलिंक नहीं करवाया, तो आपके एसईओ की क्वालिटी भी मैंने कहा इसमें बेहतर हो जाती है। क्वेश्चन आप में से को करना चाहिए सर, जैसे आपने अर्ज किया बैक लिंक का, जो बंदा नया काम स्टार्ट कर रहा है उसकी अभी अपनी वेबसाइट को 1 साल नहीं हुआ बनी, वो कैसे मल्टीपल वेबसाइट्स बना के वहां से बैक लिंक लिख सकते हैं, उसको तो एक टाइम चाहिए ना, कम से कम 4-5 साल। एज की भी आपने बात की है, वेबसाइट की एज का भी फैक्टर है। थैंक असल साहब, आप किस क्लास में से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए फिर आंसर करते हैं। आप किस क्लास में से हैं, नई में से हैं कि किस बैच में से, मुझे जो सर बताइए। ड्रॉप हुआ था कोरोना की वजह से, उसी 101 में में उसमें जी सर। आप बात अगर आपने बात मेरी सुनी, मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने इसकी स्टेटमेंट ही ऐसे दी कि जो नया बंदा काम शुरू करता है, देखिए आपने नया है तो आपने